पांच सालों में आप वही इंसान रहेंगे, सिवाय उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताबों में जो आप पढ़ते हैं। चार्ली जॉन्स। दोस्तों, आप सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अर्थात स्वनिर्मित करोड़पतियों के सफलता का रहस्य सीख रहे हैं। इस सीरीज का यह 17वां वीडियो है। यदि किसी कारणवश आपने पहले के 16 वीडियो नहीं देखे तो पहले उन्हें अवश्य देख लें। प्रत्येक सीरीज में एक अद्भुत रहस्य को डिटेल में समझाया गया है। जरूरत है तो केवल आत्मसात करने की। यदि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इन रहस्यों से परिचित होने का मौका मिल सके सफलता प्राप्त करने की। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी खुशी या सफलता का 85% हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। आपके रिलेशंस अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतने ज्यादा सफल बनेंगे और उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए या तो आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। सफल व कामयाब लोग अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। सफल लोग सफल और अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो लोग रात में घर जाकर टीवी देखते हैं। हर चीज में रिलेशनशिप का अहम रोल है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत रिलेशन बनाने का परिणाम होती है, और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी। आपकी 90% सफलता आपके मेलजोल पर वैसे लोगों जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं इस पर निर्भर करती है। इंसान गिरगिट की तरह है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादातर समय रहते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव और का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल रखें, उनके साथ रिलेशन बनाएं जो ज्यादा आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य है, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा नेटवर्क बनाते हैं, जो उद्योग और कारोबार की हर मीटिंग में भाग लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं, सामाजिक जीवन बिताते हैं, औरों से उनके और उनके व्यवसाय के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। इसके लिए आप एक बहुत अच्छी रणनीति अपना सकते हैं। जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें, उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बातें करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको जरूरत है, और फिर जितनी जल्दी संभव हो सके उसके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, ना कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उम्मीद कभी ना करें। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहां से आपने उम्मीद भी ना की होगी। इसके लिए आपको यह अभ्यास कार्य करना होगा कि अपने जीवन के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें ढूंढें। आप उनके पास या काम करने के लिए क्या करेंगे कि वो भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप बिना रिटर्न की उम्मीद किए बिना उनके लिए क्या कर सकते हैं? याद रखें, आप जो बोएंगे वही काटेंगे, यही सफलता का सार है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एवं शेयर करें।
यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य दें। हम आपके योग सुझावों का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।